मार्च 2014 को 9 संगठन बिहार के जो भूमि अधिकार पर वनाधिकार पर काम करते हैं, विस्थापितों के साथ काम करते हैं, महिलाओं के साथ काम करते हैं, वो इकट्ठे आए और उन लोगों ने ये तय किया कि मुख्यमंत्री आवास के सामने सत्याग्रह करेंगे। पर्चाधारियों के हक में बने हुए कानून लागू करो। हम लोग कोई ऐसी मांग नहीं कर रहे हैं जिसे सरकार पूरा नहीं कर सके। वनाधिकार कानून सरकार का है काम, पर्चाधारियों को जमीन उपलब्ध कराना सरकार का काम है और कोसी को पुनर्वास कराना भी सरकार का काम है। सरकार जो अपने कामों में निकम्मेपन बरत रही है, उस निकम्मेपन को ख़त्म करने की मांग को लेकर गए थे। इसके पहले हम लोग के संगठन के द्वारा अनेक बार सरकार से मिलने की कोशिश की गई, मुख्यमंत्री के पास ज्ञापन दिया गया, विभिन्न प्रशासनिक पदाधिकारियों को दिया गया, किसी ने नहीं सुना। मुख्यमंत्री जी जनता की बात को नहीं सुनते हैं, कभी भी किसी भी जनता के सवालों का जवाब नहीं देते हैं, जनप्रतिनिधियों से नहीं मिलते हैं। हम लोग जनप्रतिनिधि नहीं हैं, आंदोलनों के साथी, जन आंदोलनों के साथी लोग उनसे मिलने के लगातार कोशिश किए। जसवा के साथी प्रियदर्शी जी से जेपी के दिवस पर उन्होंने कहा था कि हम इन साथियों से मिलेंगे, वार्ता करेंगे, लेकिन वर्षों भी गुजर गए, उन्होंने नहीं मिला। केवल जनता दरबार लगाते हैं जहां समस्याओं का निष्पादन नहीं होता है। तो हम लोग कहे कि इस बात को मुख्यमंत्री तक कहा जाए। मुख्यमंत्री कहेंगे कि आखिर में हम नहीं जानते हैं, अनभिज्ञता न प्रकट करें, इसलिए सारे लोग उसको तोड़ के गए थे। और मुख्यमंत्री जनता के प्रतिनिधि हैं, इसलिए वहाँ क्या कानून, जनता उनसे मिलने गई, जनता चुनी है, फिर किस बात के लिए कानून वहाँ लगाया गया है कि जनता उनसे मिल नहीं सकती है। कोसी का निर्माण कराते रहेंगे।